अब जो सेकंड टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो इम्प्योरिटी होती है ट्राइवेलेंट। एन टाइप में हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की थी वो पेंटावेलेंट थी, ये है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन हो, जैसे कि एग्जांपल एल्यूमिनियम। फिर बात करते हैं बोरोन, फिर इंडियम, गैलियम एक्सेट्रा। इन सब के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं एज ए वैलेंस। अगर हम एग्जांपल में एल्यूमिनियम का स्टडी करें तो एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो उसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो उसमें होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो मतलब एक एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल मिला के तीन। हमने इससे पहले जो देखा था वो फास्फोरस था, फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन होते थे पांच, इसके पास कितने हैं? तीन हैं। अगर मैं फिर से वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सिलिकॉन, एक और लेग ले लेते हैं। ठीक है, हर एक सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज करो कि हम एक सिलिकॉन को वहां से हटा के उसकी जगह एल्यूमिनियम डाल देते हैं। हमने डाल दिया एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन तीन है, तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन तीन है तो वो बॉन्ड भी तीन बनाएगा। तो एक जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसकी जगह वो क्रिएट करेगा एक होल। सिमिलरली अगर किसी और जगह, समझो यहां पे अगर हम हटा दें और यहां पे हम डाल दें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देगा, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, मतलब जगह खाली हो जाएगी, वहां पे वो क्रिएट करेगा एक होल यानी कि डेफिशिएंसी। तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और सॉरी होल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां बॉन्ड टूटेंगे, समझो कि यहां एक बॉन्ड टूटा, यहां एक बॉन्ड टूटा, समझो यहां एक बॉन्ड टूटा, तो जहां जहां बॉन्ड टूटेंगे वहां वहां जनरेट होंगे होल्स। एक यहाँ होल बना, एक यहाँ होल बना, एक यहाँ बना, और जब बॉन्ड टूटते हैं उनके साथ साथ उनके इलेक्ट्रॉन भी बाहर आते हैं। तो ध्यान से अगर देखो तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो तीन है, लेकिन होल्स यहाँ पे पांच होंगे, क्योंकि तीन तो टूटे वो और दो एल्यूमिनियम ने लिया है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें जो होल्स हैं दे आर नोन एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी है वो है होल्स और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। रेशियो नॉर्मली सेम रहता है, 10^6 सिलिकॉन पे एक एल्यूमिनियम, यानी कि 10^23 पे 10^17 एल्यूमिनियम। इसमें जो एल्यूमिनियम है ये इलेक्ट्रॉन जो है
सिलिकॉन स्ट्रक्चर से लेने की कोशिश करता है क्योंकि इसके पास ये कम है, इसलिए इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। हमने इससे पहले वाला जो पढ़ा था वो क्या था, डोनर इम्प्योरिटी, उसमें फॉस्फरस डोनेट कर रहा था, ये है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर हम इसकी बैंड डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करें तो नीचे जो होती है वो होती है इसकी वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है, इसके ऊपर जो है वो है कंडक्शन बैंड, इसमें ये जो है इट्स कॉल्ड वैलेंस बैंड वीबी, ये कंडक्शन बैंड सीबी, इसकी एनर्जी होती है ईसी, इसकी एनर्जी होती है ईवी, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉर्मली वैलेंस बैंड में होते हैं। और जो बॉन्ड में से टूटेंगे वो तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये जो होल्स है वो कहाँ होते हैं, तो होल्स एक्चुअल वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर रखे जाते हैं। यहां होते हैं होल्स, मतलब जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होल्स में जाएंगे, कुछ वैलेंस बैंड में जाएंगे, तो इस हिसाब से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन याद रखना इसकी कंडक्टिविटी एन टाइप्स के कंपेयर में तो कम होगी क्योंकि एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और इलेक्ट्रॉन का मोशन होल्स के मोशन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो मतलब अगर हम इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर की बात करें प्योर वाला, उसके रिस्पेक्ट में तो एन टाइप और पी टाइप दोनों की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम एन टाइप और पी टाइप को आपस में कंपेयर करें तो एन टाइप की कंडक्टिविटी पी टाइप से क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात, P टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, पॉजिटिव नहीं होता। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें तो P टाइप इज अ न्यूट्रल, N टाइप इज ऑल्सो न्यूट्रल। समझ में आई सबको बात बेटा, क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट? यस सर। ठीक है, चलो फटाफट लिख के मुझे मैसेज करो, फास्ट लिख लो फिर मैसेज करो।